उधर झारखंड के धनबाद में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है और यहां मदरसे के एक शिक्षक ने न केवल 15 वर्षीय नाबालिग के साथ यौन शोषण किया बल्कि उसे शादी का झांसा देकर फरार भी हो गया। उधर आरोपी शिक्षक ने इसे साजिश करार दिया है। मदरसा शिक्षक पर यौन शोषण का आरोप, शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। हथकड़ियों में जकड़ा यह अधेड़ उम्र का शख्स जलील है। इसकी हरकत भी जलील करने वाली है। ये शख्स एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाने का काम करता था, लेकिन इसकी नैन मदरसे में पढ़ने वाली एक नाबालिग से दो चार हो गई। इसने नाबालिग को शादी का झांसा देकर पहले तो दुष्कर्म किया और फिर उसे लेकर फरार हो गया। पढ़ा रहे थे तो हम वहीं फंसा के ले गए, वहीं बोला कि शादी करेंगे। पीड़ित नाबालिग को परिजनों ने ढूंढ निकाला और इस मदरसे के शिक्षक को भी पकड़ लिया और पहले जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। 15 वर्षीय एक युवती है, उसी को झांसा दिए शादी करने के नियत से और ले गए, और जैसा वो बताती है कि उसके शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। इन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। उधर आरोपी शिक्षक ने यौन शोषण के आरोप को एक साजिश बताया है। फिलहाल जलील पुलिस की गिरफ्त में है। इधर नाबालिग के परिजन न्याय मिलने के इंतजार में हैं। नितेश मिश्रा, इंडिया 24/7, धनबाद।